में जो लगे इसकी लाइटें काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखो ये, और ये पूरा कटी जाता है जो वही है ये। हमारे चक्कर में यहाँ रास्ता जाम हो गया तो कहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक साल इंतजार करने के बाद फाइनली माहिम का मेला लग गया है जो कि हर साल लगता है। माहिम के मखदूम शाहबा के उर्स के मौके पर ये मेला हर साल दिसंबर के महीने में लगता है, इस साल भी लग गया है और हमारी यादें से बहुत जुड़ी हुई क्योंकि मैं तो बचपन से मेला जा ही रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग वहीं रहते थे धारावी में, तो धारावी माहिम एक ही है ये, तो हम लोग डेली जाते थे मेला, मतलब 10 दिन का मेला होता है तो 2-4 दिन जरूर जाते थे। और जब मैं स्कूल पढ़ता था तब तो डेली जाता था क्योंकि मेरा स्कूल वहीं था, लेकिन अब हम काफ़ी दूर रहते हैं तो एक बार तो हमारा जाना बनता ही है। और पिछले साल भी हम लोग गए थे माहिम का मेला और इस साल आप भी जाएंगे, तो और ये मुंबई का सबसे बड़ा मेला, इतना बड़ा मेला कहीं भी लगता है मुंबई में, तो आपको भी पूरा मेला घुमाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे, लास्ट तक बने रहना, आप लोग का वीडियो बहुत मजा आने वाला है। तो जो लोग मुंबई के नहीं है वो भी माहिम के मेले का पूरा मजा ले सकते हैं, हमारे वीडियो में काफ़ी इंजॉय आएगा। तो चलो चलते हैं माहिम का मेला। दोस्तों हम लोग माहिम स्टेशन आ गए हैं, तो माहिम में आने के बाद आप अगर ईस्ट में जाओगे तो आप धारावी पहुंच जाओगे और वेस्ट में जाओगे तो माहिम, तो मेला जो है वेस्ट में लगता है तो हम आज धारावी नहीं जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे सीधा माहिम। देखो हम अब मेले करीब आ गए हैं, यहाँ पहुँचते आपको झूला सबसे पहले दिखेगा ये आसमानी वाला। तो दोस्तों ये है माहिम का सेंट माइकल चर्च और इसके जस्ट सामने ही आपको दिख जाएगा ये माहिम का मेला, और यहाँ से सारे झूले दिख रहे हैं बड़े बड़े, देखो 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे झूले अंदर हैं, तो हम सिर्फ जरा भी इंतजार हो नहीं रहा है, सफर हो नहीं रहा है, फटाफट हम चलते हैं और मेले के अंदर एंट्री करते हैं। चलो और चर्च के पास हमारे चाहने वाले मिलना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ सेल्फी ले रहे हैं अभी। हाँ तो चर्च से इस बार आते ही आपको यहीं से भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से हमको अंदर जाना है और भीड़ यहीं से मिलेगी आपको, देखो इसी गेट से हमको एंट्री करना है। फिर भी अभी थोड़ा आज अभी थोड़ा जल्दी आए हम, इसलिए अभी जाने मिल रहे हैं, यहाँ घुसने नहीं मिलता, समझ लेते हैं रश रहता है, अभी थोड़ा और 1 घंटा और गुजरेगा ना तो और भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। देखो तुम दोनों को ना ये वाला झूला जलाऊंगा यार, ये आओ अरे सबको जलाऊंगा आओ। ये सर्कल पे काफ़ी भीड़, हमको आगे बढ़ने नहीं मिल रहा है, सब जाम लगा हुआ यहाँ पे देखो। और ये देखो भाई ये नाव वाला है ना, ये नाव वाला देखो ये और ये छोटे बच्चों वाला झूला देखो, ये प्लेन वाला हेलीकॉप्टर वाला झूला। तो नाव वाला एक यहाँ है और इसके सामने वो नाव वाला है, दो नाव वाले झूले यहाँ दिख गए, आसमानी एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन यही सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे। तुम लोग इसी में झूल लो यार, इसी में झूल लो ये वाले में। हाँ ये वाला अच्छा, हाँ गिरने वाली थी याद है पिछले साल, बच गई थी ये। तो अभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि लोग को यहाँ झूला झूलना है, तो वहाँ टिकट मिलेगा, हम टिकट लेते पहले तो झूला हम बाद में झूलेंगे, यहाँ सब सब्सक्राइबर ही पहले मिलते यार। देखो ये सेल्फियाँ चल रही इन लोग की। ये भैया कितने की टिकट है? 2 टिकट दो ना भैया, 2 दो ना। ये लोग ऊपर जा चुके हैं देखो वहाँ से, तो शादी में हमारा जाएगा नहीं क्योंकि शादी में बहुत डरता है ना झूले से, झूलेगा और तुम्हें भी झूलता नहीं, मुझे चक्कर आता, ये लोग झूलेंगे झूला, तो लोग झूलने गए वहाँ, यहाँ सेल्फियाँ चल रही शादी में की इन लोग की। आज सिर्फ सेल्फी डे है, झूला हम लोग मेला कम घूमेंगे, आज सेल्फियाँ ज़्यादा चलेंगी। हाँ चलो, और एक झूले पे 2 ही जन को बैठाते हैं और हम लोग 2 ही हैं, तो हम साथ में बैठ चुके हैं, तो अभी झूला चालू हो चुका है। कितना ऊपर है ये, मम्मी झूला आप धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, सामने भी आसमानी झूला चल रहा है और मैं डर के मारे क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, तो हमें पापा आदिम भी दिख गए, पता नहीं आपको दिखे कि नहीं, अभी झूले ने स्पीड पकड़ लिया है, अभी मैं आपको आदिम और पापा दिखाती हूँ। हेलो, शायद आपको आदिम और पापा दिख गए होंगे, और अभी फाइनली झूला स्पीड में चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मारिया यहाँ
ये फैमिली मारी और रुकैया से मिलने के लिए जब से झूला झूलने गए वो लोग सबसे लोग खड़े से मिलने के लिए बेचारे आगे गए नहीं। ये मम्मी है दोनों उनके बच्चे थे दोनों खड़े बहुत देर से ये देख हम लोग 15-20 मिनट से खड़े वो लोग मिलने के लिए मिलने वाले और बहुत सारे बच्चे आगे मिलने के लिए देखो सब। मुझे लगता नहीं कि हम लोग आज मेला पूरा घूम पाएंगे क्योंकि कंटिन्यू जब से आए यही हो रहा खाली एक झूला झूले उसके बाद खाली हम अपने चाहने वालों से मिल रहे बस। झूला झूल के कैसा लगा ये बताओ सब छोड़ो। हाँ बहुत ज़्यादा डर रही हूँ खतरनाक झूला था एकदम। चलो अभी आगे चलते हैं तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हम लोग देख लो यहाँ पे बहुत सब्सक्राइबर मिल रहे तो अच्छा लग रहा है लेकिन मेला भी घूमना है ना हमको। तो दोस्तों लग रहा है हम रियल में मेला नहीं घूम पाएंगे क्योंकि आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये भी देखो भीड़ लगी आ रही है जहाँ जा रहे हैं माशाल्लाह तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट है। चलो मेला नहीं घूम पाए कोई बात नहीं मेला तो हर साल घूमते हैं आज यही होएगा हमारे साथ खाली। आपने वहाँ का तो देखा लेकिन यहाँ का सीन देखो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत आपको मेला दिखेगा। झूले जो लगे इसकी लाइटें काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखो ये यहाँ पे सब खाने पीने का आइटम स्टार्ट हो गया लोग सीख वगैरह गर्म गर्म बन रहा है रोल ये बिरयानी ये खिचड़ा ये नूडल ये बिरयानी ये चिकन तब यहाँ देखो भीड़ लगी हुई है और लोग खा भी रहे बैठ के देखो पूरा अंदर हाउसफुल है। ये हलवा पराठा सबसे फेमस माहिम का मेले का जो है वो हलवा पराठा है। हाँ यहाँ भूत भूत देखो भूत का चल रहा है यहाँ भूत बंगला है लेकिन भूत में जाएगा भूत का शो देखेगा नहीं। चलो आगे मिल लो भाई और ये हमारे बचपन का सबसे पुराना गेम है गधे का जो कि पन्ना लाल वो सबको बताता है पहचानता है कौन नहा के आया है कौन किसने क्या चुराया सब बताता है इसको और देखा है मैंने। और ये समंदर किनारे यहाँ पुलिस चौकी भी बनी हुई है देखो यहाँ की क्योंकि मेला जो लगता है ना एकदम दरिया समंदर के एकदम बगल में लगता है। अभी आपको मैं समंदर भी दिखाऊंगा झूला देखो यारा नावला झूला ये मौत का कुआं ये तो हर साल हम जरूर देखते हैं देख रहे हैं मौत का कुआं। हाँ अभी देखते हैं देखो चार 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 टिकट दो दे भाई इसको ये मौत का कुआं देखने के लिए काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है हमको चल के देखो यहाँ तक। तो यहाँ भी भाई हमारे पहचान वाले मिल गए देखो। हाँ अरे सब्सक्राइबर सपोर्टर वही भाई साहब अपने चाहने वाले हैं। अभी कार नीचे खड़ी बाइक खड़ी अभी गेट पूरा हाउसफुल हो जाएगा ऊपर भी देखो ऐसा ऊपर भी है दो शिक्षा ने ऊपर भी नीचे भी जब तक फुल होएगा तब यहाँ से आएंगे फिर गेट बंद करेंगे और कार भी चलेगी इसमें बाइक भी चलेगी। ये देखो ऊपर से भी लोग हाई कर रहे हैं हाँ तो हम लोग नीचे वाले सेक्शन में खड़े हैं ऊपर वाले सेक्शन में देखो सब हाई हो रहे हैं इधर भी ले आए इधर भी बहुत सारे लोग हैं देखो ये अब देखो यहाँ गेट बंद हो रहा है अब मौत का खेल चालू होने जा रहा है दोस्तों। ये देखो चढ़ देखो चढ़ गई ये
बाय बाय बाय। अब हम आ गए समुद्र किनारे और यहाँ पे बहुत सारे देखो स्टॉल लगे हुए, पानी पूरी और तगड़ा पता नहीं क्या क्या। अब आपको थोड़ा समुंदर की हवा खिलाता हूँ मैं। बांद्रा बल्ली सीलिंग में पूरा ये देखो ये और लोग यहाँ भी मस्त इंजॉय कर रहे हैं समुंदर किनारे, खा पी के हवा ठंडी ठंडी खा रहे हैं। और समंदर भी पूरा सूखा हुआ है यार, पानी है ही नहीं देखो, सूखा हुआ है। और ठंडी बिल्कुल नहीं है यहाँ, दिसंबर का महीना है लेकिन ठंडी बिल्कुल नहीं है यहाँ ज़रा भी। पापड़ वाले भैया आ गए हैं, 20 का 4 पापड़ दे रहे हैं, हम एकदम कड़क कड़क पापड़ खाएंगे, बहुत टेस्टी पापड़ होता है भैया का। चलो यहाँ भी पापड़ खाते खाते सेल्फियाँ चल गई, तो शादी में आप ऑटोग्राफ देगा इनको, यहाँ के कुछ फॉलोअर मिल गए हैं। ये देखो बढ़िया साइन कर रहा शादी में, वाह। ये देखो कितना गंदा ऑटोग्राफ दे रहा है, हाँ 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 दे दो। ये तो शादी में का ये फर्स्ट ऑटोग्राफ है। ये देखो भाई निकल रहे स्मोक बिस्किट, धुआई धुआं हो गया। उसके बाद खतरनाक झूला ये वाला आया है, ये इसका नाम क्या मुझे पता नहीं है लेकिन ये इन लोग को झुलाऊंगा जरूर। ये वाला झूलो, ये वाला, ये वाला। ये देखो दिखा रहा हूँ आपको कैसे पलटी होता है, देखो ये देखो ये पूरा ऊपर जाता है ये, और ये पूरा पलटी हो जाता है। देखो ये 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 देखो, ये देख के इन लोग हिम्मत हार गए लोग, बोलते हम लोग नहीं झूलेंगे, टिकट लेने जा ही रहे थे बस कैंसिल हो गया। हाँ चक्कर आ रहा, चलो वालेकुम सलाम। हमने 2 टिकट ले लिए ये ब्रेक डांस वाले झूले का, शादी में और मारिए झूलेंगे, इसकी मम्मी और मैं झूलेंगे नहीं, ले टिकट जाओ झूल जाओ। अरे उसको पकड़ के बैठना, संभाल के बैठना उसको, जाओ। काफ़ी खतरनाक झूला है, इसमें समझ में नहीं आता कौन कहाँ बैठा हुआ है। दोस्तों मेरे साथ कोई फोटो नहीं ले रहा, सब लोग के साथ ले रहे, देखो ये चीटिंग है, चीटिंग। और हमारे चक्कर में यहाँ रास्ता जाम हो गया, देखो यहाँ यहाँ सेल्फी के लिए रास्ता पूरा जाम हो गया है। ये देखो चलो 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 ठीक है, आ जाओ निकलो 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 निकलो, भीड़ हो गया, जाम हो गया रास्ता, आ जाओ। तो यहाँ हमने घूम लिया, अभी हम ये सेक्शन से निकलते बाहर, क्योंकि मेले के 2 सेक्शन है, एक दरिया किनारे और एक दरगाह के पास। तो हम चलते हैं दरगाह के पास, क्योंकि यहाँ भी हमने काफ़ी घूम लिया है, हो गया झूला वगैरह सब घूम लिया। चल गया हम फिर बाहर आ गए चर्च के पास, और हम जाएंगे सीधा दरगाह के लिए, आधा मेला आपको वहाँ दिखा दे दरगाह की तरफ। तो अब हम जाएंगे इस गली में, मेले का दूसरा हिस्सा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हम यहाँ से लेंगे 12 मसाले वाले इमली, और हम ये ज़रूर लेते हैं मेले में जब भी आते हैं। ये 12 मसाला देखो पूरा पड़ गया इसमें, हो गई 12 मसाले वाली इमली। पिछले साल मैंने तुम्हें वीडियो में बोला था कि जानू मुझे वॉशिंग मशीन भी दिलाते हैं, हाँ उसी दुकान पर देख के बोला था। तो है ना वॉशिंग मशीन, वो तो अब मम्मी को वॉशिंग मशीन रियल में दिलाया, तो वॉशिंग मशीन रियल में दिला दिया ना। हमारे घर पर टीवी नहीं है तो मम्मी तुम बोलो टीवी दिलाओ, ओवन दिलाओ। ये देखो और ये जो जो बोलेगी सब अगले साल तक आ जाएगा, मुझे पता है। पिछले साल वॉशिंग मशीन बोली थी नकली वाला, तो घर में अल्लाह करम से आ गया असली वाला। चलो देखते हैं इस साल जो जो बोली आता कि नहीं आता है। इनको बचपना सूझा हुआ है, देखो मिट्टी का बर्तन ले रही है, हाँ 70-70 रुपये का मिट्टी का बर्तन। और बचपन में मैं यहीं से खिलौने वगैरह ये सब दुकान से लेके जाता था मेले में, मेरा स्कूल भी यहीं पे पास में, अभी दिखाऊंगा आपको, यहीं से खिलौने लेके जाता था उस टाइम। लेकिन 10-15 रुपया खिलौना मिलता था, आज 100-200 का वही खिलौना 500 का मिलता है, 500 का। चलो यहाँ से कुछ नहीं दिलाऊंगा मैं, हाँ अरे मैं कुछ नहीं दिलाऊंगा क्या, अरे मैं कुछ नहीं दिलाऊंगा, अरे मैं कुछ दिलाऊंगा ही नहीं, ये पागल कहाँ दिलाऊंगा रिमोट वाली। ये देखो इनको भी चाहिए, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, हाँ क्या पापा 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 पुलिस आ गई, दुकान बंद करा दी पुलिस, चलो पुलिस दुकान बंद करा दी, चलो जल्दी चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। और अब हम आ गए मखदूम शाह दरगाह के एकदम जस्ट सामने, देखो ये काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह सजाई गई दरगाह को, अच्छा लग रहा है। तो माहे का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है खलील पहलवान का हलवा पराठा, आप पूरे माहे में मेले में कहीं भी हलवा पराठा ले लोगे
लेकिन सबसे फेमस सबसे अच्छा इनका ही होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ भी होती है। अगर इनका हलवा पराठा आपको लेना है तो आपको बहुत लंबी लाइन भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद हलवा पराठा मिलेगा। ये देखो हम भी बचपन से समझ लो इन्हीं का हलवा पराठा खा रहे हैं। तो अभी पापा आ चुके हैं यहाँ पे हलवा पराठा लेने के लिए, तो हम यहाँ पे हलवा पराठा लेंगे और अंकल जी को पैसे दे देंगे। और ये हलवा पराठा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, तो हम इसे पार्सल ले लेंगे और घर जाके खाएंगे। पहलवान के हलवा पराठा के जस्ट सामने आपको दिखा दूँ, ये है आरसी माइम स्कूल और ये मेरा स्कूल है, मैं यहीं पढ़ता था, जितनी पढ़ाई मैंने की है स्कूल में की है। इसके जस्ट सामने है ये हलवा पराठा की दुकान, तो यहाँ आता तो स्कूल की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब मैं यहाँ पढ़ता था मैं तो डेली मेला घूमता था, डेली घूमता था, पढ़ने यहीं आता था, यहीं मेला घूमता था डेली। तो मेरे स्कूल के पास में गेट भैया, मेरे स्कूल का गेट देखो, ये स्कूल का गेट है, यहीं पर कबाब की दुकान है, तो यहाँ कबाब खाएंगे। चलो खाओ फटाफट। हाँ, और पिछले साल मेले में हम लोग आए थे तब भी हम लोग यही कबाब को खाए थे अपने स्कूल के गेट के पास। ये सब लोग ब्लॉग में आने वाले, वहाँ सब लोग आने वाले ब्लॉग में, आप भी आने वाले, ये लोग भी आने वाले, सब लोग आने वाले ब्लॉग में। हाँ, घूमते टहलते धीरे धीरे आ गए हम लोग बाबा फालूदे के पास, और यहाँ तो हमेशा भीड़ भाड़ रहती है साल के बारह महीना। ओ हाय हाय, नहीं मेरे से हाथ मिलाएंगे, हाथ मेरे मेरे से हाथ मिलाओ। हाँ माशाल्लाह फातिमा, चलो हाँ। तो एक पिज्जा में पूरा खानदान खा रहा है, पिज्जा एक है, खाने वाले एक दो तीन जने, देखो मैं नहीं खा रही, तू नहीं खा रही क्या? ये खाएगा अकेला। तो हम मेले में जब भी आते हैं यही यही फालूदा खाते हैं हमेशा, हर साल ऐसे भी आते हैं तब भी खाते हैं, जब भी दरगाह आते हैं माइन दरगाह, तो आज भी कम्पल्सरी यहाँ फालूदा खाएंगे ही, क्योंकि यहाँ का फालूदा मैं खा लेता हूँ। कहते को भैया बना दे मस्त, ठंडा ठंडा निकाल दे क्रीम, और वहाँ हमारे सब्सक्राइबर भी वहाँ खड़े देखो देख रहे हैं। हाय हाँ जी 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 अब हाँ ठीक है। हाँ तो अभी पापा यहाँ पे फालूदा पी रहे हैं और धीरे धीरे करके फालूदा पी लेंगे, क्योंकि एकदम टेस्टी और मतलब वैसे सादा है, तो पापा इसे पी लेंगे। तो एक मैं तो खा लिया हूँ, एक पार्सल भी लेके जाऊँगा घर के लिए भी, आराम से घर में बैठ के सुकून से खाऊंगा। माही माए और रगड़ा ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको नहीं खाएंगे हम लोग, रगड़ा खाएंगे। तो रगड़े की शॉप पे आ गए अब, और हम रगड़ा खाने का टाइम कम है, तो यहाँ से हम पार्सल रगड़ा लेंगे, पार्सल लेके जाएंगे घर पे खाएंगे। तो हम लोग अब रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे साइड आ गए हैं, क्योंकि मेला भी एंड होने वाला है, बंद हो रहा धीरे धीरे, काफ़ी थक भी गए हम लोग मेला घूम घूम के। तो यहाँ कुछ खाना पीना खा भी लो, नहीं भी चलते घर। दोस्तों हम लोग आ गए घर, मेला घूम के काफ़ी मज़ा आ गया, इस बार थोड़ा सा अलग हो गया मेला, क्योंकि ऐसे हम लोग मेला बहुत घूमते थे, इस बार थोड़ा कम घूम गए, क्योंकि हमारे मतलब आप लोग हमारे चाहने वाले बहुत मिल रहे थे, तो इतने ज़्यादा लोग मिले कि हमको मज़ा ही आ गया, तो उसको वजह से मतलब मेला थोड़ा कम घूम पाए, लेकिन ये अच्छा लगा कि हमारे चाहने वाले मिले, तो ये भी मोहब्बत है, अच्छा लगा मुझे। भीड़ भाड़ तो बहुत थी, भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मज़ा आया। बहुत दूर से लोग आते हैं, पूरे मुंबई से लोग आते हैं, क्योंकि ये मुंबई का सबसे बड़ा मेला है। उम्मीद है आप लोग को मेले का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।